What's up everybody, welcome back to my YouTube channel and I hope you are doing absolutely good and you are watching Amar Vlogs. So उम्मीद करता हूँ घर में सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा बाहर ख़राब हो गया है, तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ये देख सकते हो। तो आज बड़ा मतलब कल से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बट कल शाम को बहुत अच्छा मौसम साफ हो गया था। और यह तुम्हें पता है आजकल मेरा बिजी बहुत शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि मैं आजकल शाम को खेलने चल जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं यहाँ पे धीरे धीरे, तो वो काफ़ी बैडमिंटन खेलते हैं, तो अच्छा है मेरे पास बैडमिंटन पड़ा था। बट कल बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो कल मैं खेलते खेलते देखो मेरा बैडमिंटन ही टूट गया पूरा। ये अच्छा हुआ मेरे पास दूसरा बैडमिंटन था, तो मैंने स्विच कर लिया उसमें, तो थोड़ा ज़ोर से शॉट लगा दिया और ये हाथ में उसका जो डंडा होता है वही आ गया हैंडल। तो आज मेरे पता टॉपिक था नहीं कुछ, और एक तो बहुत हाथ में दर्द हो रही है तभी मैं पकड़ नहीं पा रहा ट्राईपॉड को, क्योंकि तुम्हें पता है फर्स्ट टाइम जब खेलते हो तो बहुत दर्द होती है, या फिर कम रनिंग करते हैं तो बहुत दर्द होती है। तो यार टाइम नहीं वेस्ट करते, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में बताऊँगा कि तुम्हें क्या चीज़ें अपनी साइकिल में लेके जानी चाहिए। मुझे पता ना काफ़ी ज़्यादा ने बताया हुआ है, बट जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी सेटिस्फैक्शन है, तुम्हें बताऊँगा मैं क्या क्या लेना चाहिए अब तुम्हें। तो तुम सबकी वीडियो कंबाइन करके तुम देखना कि ये चीज़ अवेलेबल है घर पे कि नहीं है, फिर तुमको डिसाइड कर लेना कि हाँ यार ये लेके जानी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगी। तो हाथ बहुत दुख रहा है मेरा, हाथ में पकड़ा जा पता नहीं कैसे बहुत दर्द हो रही है। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। आज के टाइम में हम देखें तो हमारी बेसिकली साइकिल एक बहुत ही बेसिक नीड बन गई है, और एक बहुत अच्छा एक हमारे लिए एक एडवांटेज है कि यार हम थोड़े व्हीकल्स को थोड़ा कम यूज़ करें और अपने साइकिल्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करें। तो मुझे लगता है यार साइकिल बहुत ही अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर व्हीकल को चलाएं अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। पर यार लोग लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर तुम साइकिल बाबा को देखते हो तो भाई उनकी तो मतलब नेक्स्ट लेवल साइकिलिंग होती है, नहीं देखे तो यूट्यूब में कुछ सर्च कर लेना। तो आते हैं आज के टॉपिक में। तो यार अगर सबसे पहले हम देखें तो तुम्हें पता सबसे पहले हमारा जो स्मेल है तो वो है सिंपल सैनिटाइजर और मास्क। तो ये हमेशा तुम कैरी करो, चाहे कोरोना हट भी जाए फिर भी तुम्हें पता इस साल या अगले साल या उससे अगले साल ये बिल्कुल जो इसका इफेक्ट होने वाला है वो रहने वाला है, चाहे तुम कोरोना हट क्यों जाए। तो मास्क और सैनिटाइजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो तुम कहीं भी बाहर निकलो, चाहे साइकिल में कुछ सामान ग्रोसरी का लेके जा रहे हो, तो प्लीज़ यार सैनिटाइजर और मास्क अपने सैडल बैग में रखें। तो यही पे हमारा दूसरी चीज़ होगी, वो होगी सैडल बैग, क्योंकि अब तुम्हें कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए यार, छोटी मोटी चीज़ की मेरे को चाहिए अक्षय कि एक अच्छी चीज़ रखने के लिए बैग मिल जाए, छोटा सा मिल जाए ताकि मैं चॉकलेट रख सकूँ, इवन बैटरीज रख सकूँ मैं अपनी, लाइट्स वगैरह चार्जिंग यूएसबी रख सकूँ। तो इस इधर मैंने एक छोटा सा ये सैडल बैग लिया था, तो ये बेसिकली जिसमें जिससे मैं साइकिल ली थी, तो वे मेरे काफ़ी नोन है वो, तो उनको मैंने बोला था यार मेरे को सैडल बैग दे दो ना एक साइकिल के साथ नया, तो उन्होंने बोला चल ले ले यार। तो मेरे को फ्री में मिला था ये सैडल बैग, ही कौन सी कंपनी का ये है सोल्जर का, तुम सर्च कर लेना, तो काफ़ी अच्छा सैडल बैग है। तुम अगर इसको चाहते हो कि छोटा हो जाए, तुम चाहते हो कि छोटा हो जाए तो ये इसको तुम यहाँ पे जिप क्रॉस करके इसको छोटा भी कर सकते हो। अगर तुम्हें चाहते हो कि यार थोड़ा बड़ा सामान है तो इसको थोड़ा इसको खोल के तुम ये और बड़ा हो जाएगा, तुम देख सकते हो। तो तुम अपने यहाँ पे मास्क वगैरह कुछ भी खाने पीने का सामान रख सकते हो, जो बहुत ही कन्वीनियंट और तुम्हारे साइकिल में 100% होना ही चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से लग जाता है, बिल्कुल सीट के एडजस्टमेंट के साथ है। तो एक और सैडल बैग आता है जो लगता है यहाँ पे आगे, वो सॉरी यार मैंने नहीं लगाया क्योंकि मतलब कोरोना आ गया था तो थोड़ा रुक गया था, तो यहाँ पे वो लगता है, तो काफ़ी अच्छा सामान वो भी रख लेता है। और तो अगर थर्ड हम बात करें तो वो होती है साइकिल लाइट। तो मेरे पास यहाँ पे ये लाइट है, इसका मैं ऑलरेडी रिव्यू दे सकता हूँ, तुम जाना चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये बेसिकली चार्जिंग है, सेल वाली तो मैं बोलूँगा अवॉइड करो यार, सेल वाली प्लीज़ मत यूज़ करना, बहुत ही बोरिंग होती है। ये चार्जिंग है तो यहाँ पे इसका पीछे चार्ज हो जाता है, इसमें इवन हॉर्न भी मिला है, अगर तुम्हारा बेल नहीं है तो तुम हॉर्न कर सकते हो, ये फंस गया ये देखो, तो इसमें काफ़ी मल्टीपल हॉर्न्स मिल जाते हैं तुम्हें, तो इसमें बहुत ज़्यादा हॉर्न्स मिल जाते हैं। और इसकी जो बीन है बहुत ही ऑसम है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली यूज़ की है। तो अगर तुम चाहते हो सिग्मा बस्टर तो सब तुम ले जा सकते हो, बट थोड़ी वो कॉस्टली हो जाती है, तो ये मैंने 500 के अंडर खरीदी थी, क्योंकि मेरे को रात को इतना नहीं निकलना होता, मैं अकेले ही जाता हूँ। क्या अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं यार मैं जाता हूँ रात को, तो तुम थोड़ा एडवांस कर सकते हो, नहीं तो ये लाइट ले लो एक और दो ले लो, इसको 1200 की ना 1000 तक आ जाएगी आराम से, तो तुम दो लगा के आराम से इसको आराम से तुम अपनी इनविजिबिलिटी बढ़ा सकते हो।
अगर हम थर्ड बात करें वो होती है लॉक, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत फ्री हो गया ना कि बहुत दिनों के बाद, तो यहाँ पे मैंने लॉक लगाया फायरफॉक्स का। तो ये बहुत ही सिक्योरिटी के लिए अच्छा लॉक है, मैं पर्सनली इसको बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत स्पॉटी सा देता है मेरे को लुक, तो मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, स्पॉटी सा ये लुक देता है। अब बात करते हैं यार, अगर हम थक जाएँ प्यास लगे तो क्या, तो मेरे को पता है यार ये वाली जो वाटर बॉटल है और ये वाली वाटर बॉटल, तो मैं दोनों नहीं कैरी करता। अगर मैं लॉन्ग राइड पे जाऊँ तो मैं ये कैरी करूँगा, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो मैं जब इसको बैग में लेके जाता हूँ तो बहुत कंधे दुखते हैं मेरे, क्योंकि भारी हो जाती है और इसमें पानी भरता है। और ऐसे ही मैं दो बॉटल लेके जाता हूँ वो आराम से आ जाती है सडल बैग के अंदर भी, या फिर मैं ये वाला जो बैग यूज़ कर दिया मेरा बैग, तो जो मैं ये वाला बैग यूज़ करता हूँ ये वाला, इसमें आराम से मैं इसको जब मैं ऐसे करके टांगता हूँ कपड़ों में ऐसे करके, तो आराम से ये जो बॉटल है इसमें ये फिट हो जाती है और आराम से मैं ऐसे करके साइकिल राइडिंग कर लेता हूँ। तो पर इसकी बात करो तो यार जिसकी बड़ी साइकिल है उसको जो फ्रेम है बड़ी है उसको अच्छा होगा, बट ये मेरी यहाँ पे देखो ये फिट नहीं होती, गिर जाती है ये, तो मेरे को ये डिसएडवांटेज लगता है अपनी साइकिल का कि मैं बड़ी आराम से नहीं कैरी कर सकता। तो छोटी बॉटल रखो, काफ़ी अच्छा कन्वीनियंट होने वाला है। अगर हम बात करते हैं आपकी यार अगला जो होता है वो होता है फ़ोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम छोटे हो चाहे बड़े हो, तो अपने मम्मी पापा को बोलो यार कि पापा मुझे एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन ले दो जिसमें मैं कॉल कर सकूँ, इन केस तुम्हारा कोई टायर पंचर हो जाए और तुम अकेले गए हो राइड में, चाहे तुम फ्रेंड्स के साथ भी हो मेरी एज के हो मेरे से छोटे हो, तो यार फ़ोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मेरे को पता है यार कि कभी कुछ भी हो सकता है रास्ते में, इनके टायर फट जाए तो इमरजेंसी हो जाए, तो तुम कॉल तो एटलीस्ट कर सकते हो, कोई वहाँ पे लोग नहीं है, तुम अकेले गए हो कहीं भी जंगल में चलान चले गए, तो यार फ़ोन हमेशा कैरी करो। उसी के साथ एक और चीज़ तुम्हारे पास फ़ोन होल्डर, तो बेसिकली टूट गया था मैंने यहाँ पे लगाया था फ़ोन होल्डर ही, तो तुम भी इसको अगर तुम्हें टूट गया कोई बात नहीं ऊपर का बचा है, तो इसको मैंने एमसील से लगाया था और टेप से लगाया, तो अभी आराम से यहाँ पे मैं कैरी करता हूँ और ये बहुत एक स्पॉटी सा लुक देता है जो मेरे को लगता है, तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है। और तुम भी इसको ऐसे करके अपग्रेड कर सकते हो अपनी साइकिल को सॉरी। और होना चाहिए बेल, वो तो बहुत कॉमन थी, मैंने फायरफॉक्स की लगाई है ये और वो, तो इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। और स्टील वाली मत लगवाना, बहुत हार्ड छिलता है उससे, मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा लगाई है। और लॉक पक्का कैरी करना। अगर अब बात करते हैं कि यार और क्या चीज़ हम अपग्रेड करें, तो एक होती है थोड़े से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है एलएनजी का सेट, ये हमेशा होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे भी दिखा था, तुमने यहाँ पे भी एक एलएनजी रखी होगी, मैंने ये देखो, तो मैंने एक एलएनजी रखी हुई है। इनकेस क्या होता है ना हमारी, इनकेस ब्रेक्स अगर लूज हो जाती है जब हम कोई नीचे हिल कर रहे हैं, हिल में जा रहे हैं कहीं चला रहे हैं, पहाड़ी में चला रहे हैं, न्यूट्रल चला रहे हैं, तो हमें ब्रेक्स में जो ये डिस्क होती है कभी कभी गर्म हो जाती है, तुम देखो कभी कभी गर्म हो जाती है, तो क्या होता है उसकी जो पकड़ने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और उससे ब्रेक नहीं लगती है। तो तुम इसको यहाँ से यूज़ करके, मैं दिखाता हूँ या फिर ऐसे करके तुम लगा देता हूँ, तुम इसको आराम से ये देखो टाइट हो रही है, तो इसको आराम से टाइट कर सकते हो चाहे तुम कहीं भी खड़े हो। अगर तुम्हारे पास एलएनजी का सेट है, अगर तुम्हारा गियर बॉक्स में दिक्कत आ रही है, गियर शिफ्ट नहीं हो रहे, तो एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर रखो यार, छोटा सा, दुकान में जाओगे तो मिल जाएगा 20-30 रुपए का, छोटा सा रखो प्लस वाला होगा, तो ये बहुत तुम्हें हेल्प करने वाला है राइडिंग में, तो ये मैं फील करता हूँ कि हाँ। साथ में बैटरी पक्का रखना, अगर तुम्हारे पास सिग्मा बस्टर वगैरह है तो बैटरी 100% होनी चाहिए। और खाने पीने का सामान तुम डाल सकते हो, तो भाई मैं तो प्रेफर हमेशा यही करता हूँ, ये वाला बैग बहुत ऑसम बैग है, ये 500 या 400 के बीच में आराम से मिल जाएगा, यहाँ पे आराम से साइड में हम इसको कैरी करके कहीं भी जा सकते हैं। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे, तुम्हें सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो तुम्हें साइकिल की ये चाहिए, होल्डर चाहिए, सेट बैग चाहिए, ये वाला बैग मैं लिंक दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो यार मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि तुम हेलमेट और जो तुम्हारे सेफ्टी गियर्स है वो पक्का पहन के रखा करो, मैं तो नहीं डालता बट 100% डालने चाहिए। अब जैसे लॉकडाउन खुलेगा मैं किट खरीदूंगा, हेलमेट मस्ट है, कुछ भी हो जाए ऑफ रोडिंग जा रहे हो गिर जाओगे बट सिर को चोट नहीं लगेगी, तो हेलमेट खरीदना किसका,
फायरफॉक्स का खरीदना, फायरफॉक्स बहुत अच्छी कंपनी है, उससे भी अपग्रेडेड है, बट फायरफॉक्स है काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को प्रोडक्ट्स एज मैं कर रहा हूँ। मेरी हिली है 2100 तो मेरे को बड़ी अराउंड 19,000-18,000 की, तो इसी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस है, वो मैं बाद में तुम्हें फिर कभी बता दूंगा, बट ये चीज़ें इंप्लीमेंट पक्का करना अपने ऊपर। और उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, ऐसे मैं सोचा थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेता तुम्हारे साथ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक देखते रहिए।